नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको इस छोटी सी वीडियो के जरिए लेके चलता हूँ मार्सियास बीच। मार्सियास बीच जो कि साओ पाउलो ब्राजील में है। मार्सियास साओ सेबेस्टियाओ सिटी में अटलांटिक महासागर पर एक समुद्र तट और डिस्ट्रिक्ट है जो ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के उत्तरी तट पर स्थित है। यह नाम ओशियन ब्रिज से आया है जो समुद्र तट और पड़ोस को प्रभावित करती है। मार्सियास बीच साओ पाउलो क्षेत्र के 228 समुद्र तटों में से 20वें स्थान पर है जो इसके सेंटर साओ पाउलो शहर से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। यह मार्सियास बस्ती के समुद्र तटों में से एक है जो इसके केंद्र से केवल 0.8 किलोमीटर दूर है। समुद्र तट एक शहरी क्षेत्र में पहाड़ों के बीच स्थित है। यह फिरोजा पानी और शुद्ध सुनहरी महीन रेत वाला है, इसलिए आपको विशेष जूतों की आवश्यकता नहीं होती है। पानी का एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यह समुद्र तट विभिन्न श्रेणियों के लोगों, अकेले यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और फैमिलीज के लिए उपयुक्त स्थान है। उच्च मौसम के दौरान यहाँ आंशिक रूप से भीड़ होती है। मार्सियास बीच तट सभी के लिए निःशुल्क है। इस समुद्र तट पर आपको सारी सुविधाएं जैसे लाउंजर, अम्ब्रेला, बीच रेस्टोरेंट, चेंजिंग रूम, शावर, टॉयलेट और समुद्री पूल, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। सीजन के दौरान इस समुद्र तट रेखा की देखरेख के लिए एक लाइफगार्ड भी नियुक्त किया जाता है। स्विमिंग और धूप सेकने के अलावा आप अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ कुछ सर्फ स्पॉट भी हैं। सक्रिय मनोरंजन के प्रशंसक बीच वॉलीबॉल में भाग ले सकते हैं। इस समुद्र तट पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह सड़क के बहुत करीब स्थित है और इस बीच पर पार्किंग भी अवेलेबल है। 5 किलोमीटर के दायरे में 3 और समुद्र तट भी उपलब्ध हैं। इनमें से सबसे अच्छा प्रिया दे पौबा है जिसकी रेटिंग 8.7 है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।